श्रीनगर सोनमार्ग जोजला पास होते हुए अब मैं पहुंच चुकी हूं लेह। जैसा कि आप मेरे पीछे ये एंट्रेंस देख पा रहे हैं, ये लेह का एंट्रेंस है। यहां से लेह के अंदर जाने के लिए तमाम रास्ते हैं। उसके अलावा अगर आप नुब्रा वैली जाना चाहते हैं तो यहीं से रास्ता जाता है। पैंगोंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो भी यहीं से रास्ता जाता है। तो अब मैं लेह पहुँच चुकी हूँ और जैसा कि जो गाइड है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको ये गाइड करते हैं कि आपको जब आप लेह पहुँचे तो आपको एटलीस्ट एक दिन का रेस्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बेहद कमी होती है और यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने के लिए एक दिन का वक्त ज़रूर लगता है। इसलिए आप भी जब आएँ तो यहाँ पर सबसे पहले एक दिन रेस्ट लें और उसके बाद दूसरा दिन लेह घूमें। तो कल मैं लेह घूमने वाली हूँ, पूरा मार्केट, पूरा लेह एक्सप्लोर करने वाली हूँ, यहाँ की वादियों के बारे में, यहाँ लेक्स के बारे में और यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज के बारे में। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए ड्रीम चेजर्स के साथ। घर पे बनी हुई चीज़ों का, हैंडलूम का अपना एक अलग स्थान हमारे जीवन में है और हम इस चीज़ के इम्पोर्टेंट को समझते भी हैं और इसी वजह से हम जब भी कोशिश करते हैं किसी जगह भी जाते हैं विज़िट करने के लिए तो वहाँ से वहाँ की फेमस चीज़, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है या वहाँ हैंडलूम में क्या कुछ फेमस है, उस चीज़ को हम ज़रूर अपने घर खरीद कर लाते हैं। इस वक्त मैं लेह में मौजूद हूँ और लेह में एक स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर यहाँ के ऑनर मुश्ताक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये हैंडलूम की शॉप है जहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। क्या क्या वैरायटीज़ हैं ये मुश्ताक जी में बताएंगे। मुश्ताक जी, क्या कुछ वैरायटीज़ हैं आपके पास? हमारे पास मैडम जो यहाँ का सबसे फेमस चीज़ है जो यहाँ के मॉन्क्स बनाते हैं टंका पेंटिंग, मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ के मतलब लोग टंका पेंटिंग जिसको फॉरेनर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडियंस भी पसंद करते हैं, लेकर जाते हैं अपने घरों पर लगाते हैं। इसके अलावा मैं आपके पास काफ़ी सारे ज्वेलरीज की वैरायटीज देख पा रही हूँ। ज्वेलरीज में अगर बात करें वुमेंस के लिए क्या कुछ खास है आपके पास, क्योंकि वुमेंस ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद करती हैं? हमारे पास देखिए यहाँ पे ज्वेलरी लगी हुई है, यहाँ के रिंग मतलब इयररिंग्स है जो यहाँ खुद बनाते हैं, आप खुद डिज़ाइन करते हैं, ट्रेडिशनल है। और रिंग्स है हमारे पास, ये जो मैंने झुमका आपके यहाँ डक्का डाल रखा है, क्या ये भी यहीं का बनाया हुआ है? जी, हमने खुद बनाया है, ये हम खुद डिजाइन करते हैं। तो खुद डिजाइन किया हुआ ये झुमका आ रहा है, जैसा कि आप मेरे कानों में देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा मेरे कानों की जो खूबसूरती है इसे और ज्यादा बढ़ा रहा है। और तो ये घर पर सजाने संवारने का पूरा सामान है जिसके ज़रिए आप अपने घर का जो इंटीरियर है उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये आप मुश्ताक जी, ये क्या चीज़ें हैं, क्या ये यहीं पर बनाई जाती हैं? जी मैडम, ये यहाँ के स्टैचूज, बुद्धा स्टैचूज हैं। बुद्धा स्टैचूज, हाँ। और कैब है, लड़कियाँ यूज़ करती है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप एक मिनट ऐसे देखें, ऑलमोस्ट ये होगा कम से कम 170,000-180,000 तक। 170,000 का ये है टर्कोइश, ये जो पूरा स्टोन लगा हुआ है, काफी एक्सपेंसिव ये स्टोन होता है और ये लगा हुआ है, इसमें सारे स्टोन लगे हुए हैं और लड़कियों को ये गिफ्ट देने के तौर पर देखा जाता है शादी पे यूज। पश्मीना को लेकर ये भी कहा जाता है कि पश्मीना पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस है और इसलिए शायद ही पसंद किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ यहीं पर बनता है। जी, जी, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, आप कब से इससे जुड़े हुए हैं, आप कब से? 25 साल हो गए इसके साथ पश्मीना बनाते हुए 25 साल हो गए। 25 साल से हम लोग खुद बनाते हैं, मेरा खुद है, मतलब लूम्स, हैंड लूम्स है, लूम्स है, जो मैं कारीगर काम करते हैं और मैं बनवाता हूँ ये सब पश्मीना। जी हाँ, मेरे फादर एक्चुअली ये जनरेशन, मेरे फादर भी यही काम करते थे, मेरे फादर भी बनाते थे ये पश्मीना, मतलब उसके बाद अब मैं यही काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो ये दुकान में, अब मैंने दुकान ली है 25 साल, उससे पहले तो हम होलसेल करते थे, घर में ही बेचते थे। तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से फॉरेनर्स हो गए, क्योंकि पश्मीना हर जगह मिलता नहीं है, फेमस है इंडिया का ही और यहाँ पर, इसलिए जब लोग आते हैं तो इसलिए सबसे पहला फोकस उनका यही होता है कि अगर हम आ रहे हैं तो पश्मीना लेकर जाएं। मैडम पश्मीना एक्चुअली ना ये दुनिया का जितना भी आप देखेंगे ना सबसे गर्म वूल है, गर्म वूल है। ये शीप जो है इस ठंडे इलाकों में बैठते हैं, जैसे माउंटेन्स में बैठते हैं, अगर ये गर्म इलाके में आ जाते हैं इनका पश्मीना खत्म हो जाता है। तो ये जहाँ सर्दी में रहेंगे तो वहीं से निकलता है और ये दुनिया का सबसे मतलब
बहुत गर्म वूल है और दुनिया का सबसे मतलब लाइट वेट कपड़ा है, लाइट वेट भी है और गर्म भी है, गर्म भी है। आप इसको एक रिंग में से निकाल सकते। अच्छा, कैरी करना काफी इजी होगा फिर। बहुत इजी होता है और गर्म भी है। इस वक्त मैं लेह में मौजूद हूँ जैसा कि आप जानते हैं, और सुबह से लगातार मैं शॉपिंग कर रही हूँ। शॉपिंग करके काफ़ी टायर्ड भी हो गई हूँ और थोड़ी भूख भी लग रही है, तो भूख को मिटाने के लिए इस वक्त मैं आई हूँ वर्ल्ड गार्डन कैफ़े, जो कि नेचुरल, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखाई देता है, नेचर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। आप मेरे पीछे पूरा एम्बियंस देख पा रहे होंगे, लंबे ट्रीज़ हैं, ग्रीन ट्रीज़ हैं, लोग बैठे हुए हैं, चेयर्स बाहर लगी हुई हैं। तो खाने के इंतज़ार में कर रही हूँ, खाने की टेबल पर बैठी हूँ और खाना थोड़ा सा वक्त लगाने वाला है, लेकिन इस रेस्टोरेंट ने मुझे बहुत अपनी तरफ खींचा है, बहुत आकर्षित किया है, इसलिए मेरा मन किया है कि जो यहाँ के टेक केयर है मैं उनसे बात करूँ। मिलान यहाँ के टेक केयर हैं। मिलान, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है आपका, बहुत खूबसूरती के साथ बहुत अच्छे से बनाया है। यहाँ आपसे जानना चाहूँगी, आप लोग किस तरह का खाना, किस तरह का फूड सर्व करते हैं? एक्चुअली नॉर्मली हम लोग कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन एंड स्पेशल तंदूरी एंड इंडियन फूड आल्सो वी सर्व एंड देन लाइक दैट एंड पीपल लाइक दैट आल्सो। किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मैंने आपके मेन्यू कार्ड में देखा है कि काफ़ी सारे कंट्रीज के आप लोग जो है फूड प्रोवाइड कराते हैं, तो किस तरह के लोग यहाँ पर विजिट करते हैं? एक्चुअली नॉर्मली लोकल पीपल ज़्यादा होता है और फ्रेंड्स एंड इटालियन आल्सो और जर्मनी, वो लोग ज़्यादा होते हैं फॉरनर। सो नॉर्मली फॉरनर लोग भी होते हैं इधर और प्लस लोकल, इंडियन थोड़ा कम ही होते हैं। इंडियन थोड़ा कम होते हैं। अच्छा, आपके यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, आप मुझे आज क्या खिलाने वाले हैं? एक्चुअली हमारा स्पेशल होता है वुड ओवन पिज्ज़ा। सो इसीलिए जो आदमी लोग होता है, जो कस्टमर होता है, वो लोग रिपीट होते हैं, आते रहते हैं। व्हिच पिज्ज़ा? पिज़्ज़ा इज लाइक चिकन पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा, सॉसेज वेज। आई विल हैव वेज वेज टुडे। ओह नो प्रॉब्लम। सो आई एम गोइंग टू हैविंग दिस पिज़्ज़ा। True good। यहाँ आइए और जरूर 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 ट्राई कीजिए। निकलते वक्त मुझे यहाँ पर एक प्लेस दिखाई दिया जिसका नाम है शे पैलेस। मैं उसी के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं, लेह में जो लोग आते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर विजिट करते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ अंदर, विजिट करूँगी। इसके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि एक राजा के नाम पर है, और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, इस तालाब में इस महल की छाया दिखा करती थी, और हालांकि अब नहीं दिखती क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ है, तो इसे शीशे का महल भी कहा जाता है। क्यों इसे शीशे का महल कहा जाता है और अंदर की खूबसूरती किस तरीके से है, आइए आपको लिए चलती हूँ। और जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं अब ऊपर पहुंच चुकी हूँ, मेरे सामने मोनेस्ट्री है, और मोनेस्ट्री का जो कल्चर है, यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो इसे फॉलो करते हैं। मोनेस्ट्री यहाँ का ट्रेडिशन है, कल्चर है, और जो टूरिस्ट होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो एंथुजियास्टिक होते हैं कि क्या यहाँ का कल्चर है मोनेस्ट्री को लेकर, और उसकी वजह से वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं शांति के लिए। इसके अलावा बुद्ध भगवान का यहाँ मंदिर भी है, जो श्रद्धालु बुद्ध भगवान को मानते हैं। ये माउंटेन की जो रेंज है वो काफ़ी आगे तक है, आप देख सकते हैं, और नीचे ये पूरी ग्रीन वैली है। इसके थोड़ा बगल से अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर एक माउंटेन की एक और चेंज शुरू होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। इसमें आप ग्रीन माउंटेन भी देख पाएंगे, वाइट माउंटेन, मरून माउंटेन, और उसके अलावा ब्लू माउंटेन भी आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, यहाँ की हरी वादियाँ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। टूरिस्ट यहाँ पर बुद्ध भगवान के दर्शन के लिए, मोनेस्ट्री से कल्चर जानने के अलावा यहाँ पर एक पीसफुल टाइम बिताने के लिए आते हैं, पीसफुल टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है, और वो लोगों को अपनी तरफ इसीलिए आकर्षित करता है कि लोग यहाँ पर आएं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और थोड़ा शांति महसूस करें।
पैंगोंग लेक की तरफ जाते हुए और लेह से 20 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक मोनेस्ट्री पड़ती है जिसका नाम है थिक्से मोनेस्ट्री। ये काफ़ी 100 साल पुरानी मोनेस्ट्री मानी जाती है और यहाँ का जो कल्चर है वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है और यही वजह है जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ के कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं। लेह लद्दाख के कल्चर की अगर बात करें तो यहाँ का कल्चर बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और जो मोनेस्ट्रीज की तरफ जाते हैं उनका सबसे बड़ा मोटिव और सबसे बड़ा पर्पज यही होता है कि जो लेह का कल्चर है उससे अपने आप को कनेक्ट करें। इस समय मैं लेह में हूँ और लेह में मेरे अलावा और कई सारे टूरिस्ट भी मौजूद हैं जो कि हर साल इसी तरह से आते हैं यहाँ पर एडवेंचरस जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए। लेह को इसलिए लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ की जो लेक है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके अलावा जो एडवेंचर एक्टिविटी है वो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करती है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एजाज अहमद जी मौजूद हैं। हम एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात करें और उसके इक्विपमेंट्स की बात करें, कई सारे इक्विपमेंट्स आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे और इन तमाम इक्विपमेंट्स के बारे में आपको एजाज अहमद जी डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स और इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। एजाज जी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो कि ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में लगता है, तो हमने थोड़ा सा आपको डिस्प्ले में रखा है, थोड़ा मैं ब्रीफली बता दूंगा। जैसे ये हो गया क्रैम्पॉन, कॉफलेस शूज, जो कि एक्सपीडिशन क्लाइंबिंग के लिए लगता है, स्टॉक कमी करने से जहाँ भी पीक क्लाइंबिंग करना होगा तो उसके साथ आइस एक्स, जो क्लाइंबिंग करते समय हमको ये यूज आता है आइस एक्स हार्नेस। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे तो काफ़ी टाइम लेंगे इसको बिल्कुल पहनना है। उसके बाद क्रेवन लगता है, रॉक लगता है सेफ्टी के लिए, जो ये चीज़ लगता है मेनली एक्सपीडिशन के लिए। बाकी ट्रैकिंग के लिए तो वॉकिंग स्टिक, बाकी डे पैक पैक उठाया जिसे आपका पैटर्न कैमरा हो गया, आप जैसे टेंट हम बेचते हैं, टॉयलेट टेंट, किचन टेंट, डाइनिंग टेंट, तो गाइड होता है। और ये स्नो स्कीइंग नहीं होता है लेकिन आइस स्केट होता है, काफी फेमस है, नेशनल चैंपियन भी रहा है, बहुत सारा लेक है, जितना भी आइस हॉकी खेलने वाला है बाहर भी गया है, ओलंपिक के लिए रिप्रेजेंट किया है इंडिया की तरफ से, तो काफी फेमस है। पूरे लेह के सफ़र के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूं शांति स्तूपा, जो कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। यहां लोग अपनी शांति की तलाश में आते हैं और हर धर्म हर जाति के लोग यहां पर आते हैं। ये अपने साइट सीन्स के लिए जाना जाता है, यहां से पूरे लद्दाख को देख सकते हैं, उसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। यहां पर टूरिस्ट जब आते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी कहीं ना कहीं यही होता है कि वो यहां पर आएं, यहां विजिट करें, यहां से पूरे लेह को एक नज़र में देख लें। इसकी शुरुआत 1985 में की गई, जब इसकी शुरुआत की गई तो उस दौरान धर्मगुरु दलाई लामा ने इसकी ईंट रखी और 1991 में इसका इनॉग्रेशन हुआ।